तो हेलो दोस्तों, विराट ने आउट होने से पहले बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, T20 क्रिकेट में कर दिया ये कारनामा। तो दोस्तों, IPL 2023 के 36वें मुकाबले में आज रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम के सामने कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम है। इस मैच में RCB की कप्तानी कर रहे विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। KKR ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बोल्ड पर 200 रन लगा दिए। बड़े टारगेट का पीछा करते विराट ने फिर एक बार कमाल की बल्लेबाजी की। विराट ने इस मैच में 37 गेंदों पर 54 रनों की पारी खेली। विराट ने इस मुकाबले में आउट होने से पहले एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। विराट ने KKR के खिलाफ अपनी शानदार 50 के दम पर एक बड़ा रिकॉर्ड बना दिया। दरअसल विराट अब एक ही स्टेडियम में सबसे ज्यादा रन जड़ने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। विराट के नाम बेंगलोर के एम चिन्नस्वामी स्टेडियम में 3000 से ज्यादा T20 रन हो चुके हैं। दुनिया का कोई भी बल्लेबाज अब इस मामले में विराट के आगे नहीं है। विराट ने इस मामले में बांग्लादेश के मुशफिकुर रहीम को पीछे छोड़ा। बता दें कि मीरपुर में मुशफिकुर ने 2,989 T20 रन बनाए हैं। वहीं तीसरे नंबर पर बांग्लादेश के ही महमूदुल्ला हैं, जिन्होंने मीरपुर में ही 2,813 T20 रन बनाए हैं। वहीं लिस्ट में चौथा नाम एलेक्स हेल्स का है। एलेक्स हेल्स ने नॉटिंघम में 2,749 रन बनाए हैं। इस मैच में KKR ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए बोल्ड पर पूरे 200 रन लगाए। KKR के बल्लेबाजों ने शुरू से ही कमाल की बल्लेबाजी की। जेसन रॉय ने पारी के पहले ही ओवर में तगड़े शॉट लगाए। एन जमदीसन ने भी 27 रन बनाए। वेंकटेश अय्यर ने 31 और नीतीश राणा ने 41 रन की पारी खेली। इसके अलावा आखिर में आकर रिंकू सिंह ने 18 रन की तेज तर्रार पारी खेली। तो दोस्तों, इस प्रकार से विराट कोहली ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड इस मैच में बनाया है। तो दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली को एक घातक बैट्समैन समझते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।